क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं? कल 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट था, लेकिन बहुत सारे लोग अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फिल कर पाते हैं। तो ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या उनको लेट फाइन भरना पड़ेगा? क्या उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी? तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, तो आइए आज हम इसी पर बात करते हैं। इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में कल रात को जानकारी दी कि एक दिन में लगभग 67,47,000 से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और लास्ट एक घंटे में लगभग 4.5 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाए होंगे, तो ऐसे में वो क्या करें? तो आपको बता दूं कि ऐसे में भी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आप अभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 234E के अनुसार अगर आप लेट से रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको हर दिन यानी पर डे के हिसाब से 200 रुपये का लेट फाइन भरना पड़ेगा। यानी कि आप जितना लेट करते जाएंगे हर दिन के हिसाब से आपको 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्यू डेट के 5 दिन के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो 5 × 200 यानी कि 1,000 रुपीज का आपको लेट फाइन भरना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 1 महीने के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 30 × 200 6,000 रुपीज का लेट फाइन भरना पड़ेगा। जितना दिन आपका डिले होते जाएगा हर दिन के हिसाब से आपको 200 रुपये का लेट फाइन भरना पड़ेगा। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके रिटर्न फाइल कर दें उतना आपके लिए अच्छा है, आपको कम से कम लेट फाइन भरना पड़ेगा। सेक्शन 234E एक और बात बताता है कि यह आपका टोटल लेट फाइन अमाउंट है वो आपके TDS से ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल TDS 5,000 रुपीज है तो टोटल लेट फाइन अमाउंट भी आपका 5,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप ड्यू डेट के 1 महीने के बाद यानी 30 डेज के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 30 × 200 6,000 रुपीज का फाइन नहीं भरना पड़ेगा, आपको 5,000 रुपीज का ही फाइन भरना पड़ेगा क्योंकि आपका TDS 5,000 ही है। तो ये थी सेक्शन 234E की जानकारी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का अवश्य कोशिश करूंगा। और आप जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके रिटर्न फाइल कर दीजिए ताकि आपको कम से कम लेट फाइन भरना पड़े। गुड लक एंड हैव ए गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।